Moe moe. Moe moe. Moe moe. Moe moe. मेरा नाम सोनू गड़गज है और मैं पेशे से एक गिटार वादक हूँ और एक सिंगर भी हूँ, लेकिन परमात्मा का इतना शुक्र है, उनकी इबादत है कि सुनता कोई भी नहीं। आज जो मेरी ऑडियंस जो है, आप पीछे देख सकते हो, ये आप पूछेंगे मेरे से कि ये पेड़ है, पेड़ नहीं है जी, ये मेरी ऑडियंस है जी। एक बार जोर से लगा दीजिए, हल्ला बजा दीजिए, दैट्स माय ऑडियंस। अभी इनको मैं गा के सुनाऊं कुछ, yes! मेरे साथ गाएंगे सारे, yes! आए हो मेरी जिंदगी में तुम बार बनके, हो मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। सो ऐसी ऑडियंस, मतलब उन्होंने मेरा गाना सुना भी नहीं, फिर भी उन्होंने रोला पा दिया। मोए मोए आता है, मोए मोए मैं बोलूंगा, मोए मोए आपने पीछे बोल रहा है, मोए 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 मोए। अरे मेरे सुर थोड़े हिल गए, मोए 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 मोए। That's my audience. That's my audience. So, ठीक है, बाय कर दीजिए एक बार, बाय कैमरे को बाय कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तालियां अपने लिए। सत श्री अकाल जी, टोकरा टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत करते हैं। अज साडे प्रोग्राम दे विच तुसी शुरुआत च देख लिया ऐसा कलाकार जिहड़ा वर्ल्ड वाइड फेमस आ, तुसी देख लिया किन्नी ऑडियंस आ उन्हां दी, ते काफ़ी फेमस उन्होंने सोंग भी जोड़े उन्होंने अपने चैनल पर पाए हुए हैं, तो सारे गाम आप इंडियन आइडल के भी आए हुए हैं, तो मेरी मुराद है पिंदा 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 भाई। किमें? थैंक यू। कैसे हो? मुझे लगता है कि आप हिंदी में बात करना पसंद करो। नहीं नहीं, मैं देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, मैं पंजाब में रहा हूँ और पंजाब में ही मैं पैदा हुआ था और पंजाब में ही पूरी फैमिली है, तो मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में सर। जे को बात हो जी, पंजाब में तो पंजाबी च गल करो तुसी। चलो अच्छा, कहिंदे म्यूजिक दे विच एक कलाकार ऐसा है म्यूजिक दे विच हस लैंदा है, म्यूजिक दे विच ही रो लैंदा है, म्यूजिक दे विच हसोगे किदां? क्या बात है, क्या बात है, रो के दिखाओ म्यूजिक दे विच। आए अरे आए ऐसा होता है क्या? और जिम्मे आप कहते हैं जी कि इन्हों जो घरेलू संगीत है घरानेदार संगीत है कि इन्हों बच्चे भी सुर च रोंद है, तो एवें तुम इन्हों सुर देख ले, इन्हों दे बच्चे किमें रोन अगे, जिम्मे संगीत अगे चलूगा इन्हों का। अच्छा सब तो पहला दर्शकों को एक गीत सुना दो। मोए 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 नी सोनिए, मोए 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 सोनिए। क्या बात है, जिवें गिटार वाला बंदा होंदा, गिटार वाला जिहड़ा बंदा होंदा वो तो एक 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 पैट सोंग होंदा, तूने क्या कर डाला, ओ सुना दो। थैंक यू। बहुत ही अच्छी मतलब चॉइस है आपकी और संगीत में काफी मुझे लगता है आप अच्छा सुनने के मतलब कि बच्चे का मुझे डर लगा कि नीचे ना कर जाए। चलो सुनाइए। जैसे कि सर ने फरमाइश की है और बहुत ही कठिन गाना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मस्त बना देंगे बीबा, नी नचन ला देंगे बीबा, ना क्या था थोड़ी मैं गलत बोल गया, क्या कर डाला तूने, क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी,
दीवानी कुत्ते ने जेर खा ली है। ये पंजाबी का कोई अपना है, मुझे क्या बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं था। ये आपने गलत बात, मतलब मैं गा रहा था, मैं कहीं पहुंचा था वहां पे, तो आपने मुझे बीच में से मेरी लात खींच ली। नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं सर। अच्छा, संगीत में आए कैसे, कोई खानदानी कुछ है? नहीं नहीं सर, मेरा किराने की दुकान थी मेरी, तो वहाँ पे ना मेरे गिटार रख गया कोई। रख गया? क्या बात है, गिटार रख गया वहाँ कोई? जी, वहीं से फिर मैं मतलब गा कोई था नहीं, तो फिर मतलब मैंने गुनगुनाना शुरू कर दिया, तभी से पढ़ा ये। नहीं मतलब संगीत सीखा नहीं आपने? सीखा है सर। आपका गुरु कौन है? मैं शीशे के सामने बैठ के गाता रहा हूँ, तो मैं खुद ही हूँ। अपना गुरु कौन हो? मैं ही हूँ सर। क्या नाम, क्या आपका? सोनू। क्या बात है, नाम भी बहुत अच्छा, सोनू। सोनू गड़गज। क्या? सोनू गड़गज, जो अपना सोनू गड़गज। जिवें एक ट्रेंड चलिया हुआ हूँ, जिवें हर एक मुंडा नौजवान, वो मैं मोस्टली 99% देखना कि नौजवान दे हत्थां दे विच जिहड़ी गिटार आ गई है, ते थोड़ी भी कोई प्रेरणा हैगी इदां दी कुछ? सर ये शुरुआत मेरे से हुई है। तब मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तो गिटार सीखने का मुझे, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड थी एक, अंजलि, अब तो गंजली हो गई है वो। बाल झड़ गए। तो उसमें क्या है सर, उसमें मुझे उसने ना एक फरमाइश रख दी, देखिए प्यार में सब जायज़ है, अगर उसने कुछ मांगा था तो क्या मैं दे नहीं सकता था? दे नहीं सकता क्या? उसने बोला, हाँ ताड़ी लगाइए आप, उसने बोला कि आप गिटार सीखिए, आप बोलते थे मुझे, तो मैं गिटार सीखने लगा जी। तो सारे पिंड में रौला पड़ गया, मुंडा जट्टा दानी बली है तेरे करके गिटार सीख। तब होती थी बात, गिटार सीख ली। हाँ, तो तभी क्या हुआ जी, वो मैं गिटार सीखते सीखते थोड़ा लेट हो गया और उसकी शादी हो गई। हे हे ला 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 ला। लेकिन रोने की बात तो कोई नहीं है इसमें, उसका बेटा चिंटू मेरे पास गिटार सीखता है। क्या बात है, क्या बात है दर्शकों, चिंटू क्या बात है। देखो जो मैं कहते ने, जोग घूम के आ गया तो ओदा मुंडा ती गिटार सीखता है। उसी ने बताया भी, मम्मी आजकल गंजी हो गए। अच्छा चलो हल्का हल्का कोई गाना सुना दो कुछ भी, जे तुसी कहो मैं हल्का हल्का हारमोनियम भी नाल प्ले करांगा, ताकि तुसी गाना भी गा सको। अभी आप कोई बात नहीं, आप कुछ भी बता दें, आप थोड़ा सा ना, मतलब मैंने बोला शार्प जी शार्प दीजिए, तो आप थोड़ा सा घबरा गए थे, मुझे पता आपको थोड़ा थोड़ा था, तो मतलब आप लगा लीजिए, कोई भी लगा लीजिए। पंजाबी सुना सकते हैं? नहीं देखिए, हम मैंने पहले ही बोला भी, मतलब पंजाबी में गाइए। पर कौन सी, ये कौन सी है, मतलब तर्ज है ये? परदेसी, ओ सर, परदेसी परदेसी, जाना नहीं मुझे छोड़ के, हे हे। क्या बात सुर में तो हाँ हो आप। अच्छा, इंडियन आइडल में जब आप जज के सामने आए, तो आपने ऐसे गाया, आपके वो मीम्स भी बहुत बने हैं कि आप बहुत, नहीं, I was very embarrassed when I was standing in front of judges. You know, they were like, मुझे अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मैं ऐसे बोला मुझे। क्या बोला? मुझे बोल रहे हैं लाइट क्यों नहीं ठीक चल रही, मतलब मैं लाइटनिंग वाला हूँ यार। मैं वहाँ पे इतना खर्चा करके वहाँ पे, मतलब गिटार लेके पहुँचा हूँ वहाँ पे। एक जे लगाइए, मैं कैमरे की तरफ, जे समझ लो जे एक स्वर टूटा हुआ है, जा ऐसे कीजिए जे है जी, इसको जैसे आपने लिप्स लगाए, क्योंकि अब कैमरे में आएंगे नहीं, ये रिमोट है, जैसे उस किस किया आपने, इस पर कीजिए प्लीज एक बार। क्या बात है बहुत कमाल के आपके जो लिप्स हैं ना, वो बहुत कमाल के हैं। मुझे स्कूल में कहते थे पिंक लिप्स। इधर सर, इधर। अच्छा, वहाँ था। बहुत 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 अच्छा। फिर गाना गाइए कुछ। अच्छा, जज ने बोल दिया, वो जज की बात चल रही, सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर गया। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बोले पहले तो सुबह से शाम हो गई, कोई खाना नहीं पीना नहीं, और बाथरूम भी जाने नहीं दिया उन्होंने, तो वहाँ पे मैंने गाना गाया था, मैं इजाजत
जी जी जैसे कि मैं परमिशन जरूर मांगता हूँ, चाहिए, क्योंकि संगीत वाला जो, क्योंकि संगीत के एक अदब है और एक इसकी प्रेरणा स्रोत होता है कि हाँ मैं संगीत में एक पांव हाथ लगाते हैं और एक अजा बस बस हाँ जी मैं गाना भूल जाऊँ जी रोमांटिक सॉन्ग है मेरा साथ दीजिएगा मित्रा दी राखी अज ला लिया कोई बंदा बुंदा मार ना ते दस मित्रा दी राखी अज ला लिया कोई बंदा बुंदा मार ना ते दस सोनिए अंजली अच्छा मेरे दिमाग में एक काम आया स्केल दीजिएगा जरा गाइए मैं स्केल उठा लूंगा कोई बात नहीं नहीं फुटा पड़ा होगा वहां पे क्या फुटा फुटा वो सर मैं तो म्यूजिक की बात हो रही है ना तो मैं फुट्टे की बात ना ना वो फुटा सर फुट्टा नहीं ये तो फटी है अच्छा जी नहीं फुटा भी होगा यहाँ पे चलो छोड़ो ये इससे चलो ये चॉपस्टिक इसमें मुझे ना एक बात याद आ गई अगर आप चैनल अलाउ करे तो मैं बात करूँ हाँ जी अलाउ कर रहा है ना तभी तो आए आप आए हैं ना अच्छा तो इससे पहले ना मैं मतलब कुकिंग चैनल मेरा बहुत अच्छा चल रहा था कितने सब्सक्राइबर थे आपके 5 थे मतलब घर में 5 ही मेंबर्स हैं और 5 थे अच्छा चल रहा था क्योंकि मेरे घर से ही मतलब ये मतलब होता है ना घराने में होती है घराने वाला जिसकी मेरे घर में मेरी मासी जी मेरी बुआ जी मेरी मम्मी और गुआंड में भी जैसे कि मतलब आंटियां सब घर में खाना पकाते थे तब से ये मुझे ये कभी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया कभी ऑनलाइन अच्छी बात है एक अच्छा मैसेज भी है जी मेरे ताई जी साथ में रहते हैं हम कॉली लेके पहुंच जाते हैं देवताल किधर देवदाल देवदाल ऐसा बोलते हैं देवदाल साग का भी बहुत रोड़ा होंगे जिम्मे क्योंकि सर्दियों का टाइम होना साग का आदान प्रदान आदान प्रदान की कहते हैं बिल्कुल सही बात है हमारी तरफ से तो मतलब पूरा जब ताई जी लेके जाते हैं डोंगा पूरा ऊपर तक मतलब टेरी लगी हुई है लेकिन हमारी तरफ से जब मतलब उनकी तरफ से जब आता है हाँ हमारी तरफ से डिमांड होती तो चली छोड़ी वो कह देने की है आज कुछ नहीं बनाया घर पे होते हुए भी बोल देते हैं बाहर है जब मैं कोठे से देख रहा हूँ भी घर पे चलो म्यूजिक की गल करिए मिस्टर लोवा लोवा एक आजकल गाना नहीं चला जो आपकी आपकी शक्ल का एक वो मिस्टर लोवा लोवा ओह सेक्सी ऑन द कवर ओह शी कॉल मी बॉम मास्टिक रियली फैंटास्टिक शी टच मी ऑन द बैक नेल मिस्टर लो romantic that me on the back that was not a family show you know that's not a family lyrics so that's why I don't like it no. English yes bahut bahut acha je to tusi hun ja jado koi main vi kuch gaawa please aise aap manoge nahi main vi aise hi hu main vi bade chidi haddi ka hu kya hu chidi haddi chidi haddi bol punjabi jahan bahut soni tusi vich vich bolde लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवेड़ रांझे मजियां चराइयां रांझे मजियां चराइयां डोली लै गए ने खेड़े लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवेड़ तेरा मेरा है झगड़ा अल्लाह पाक न बेड़े लग गए नैन अवेड़े क्या बात क्या बात बहुत बढ़िया तुसी जो साथ दिया गिटार के साथ वो हल्का लगा था थैंक यू मुझे समझ आता क्या बात है और मैं जैसे कि ये जो हमारे दर्शक हैं ये जानते नहीं होंगे जैसे कि इन्होंने गाया लग गए नैन अवेड़े रांझे मजियां चुरा लियां और जो ढोली लगे हैं क्या था खेड़े खेड़े तो इसमें ये बताया है कि मतलब जो रांझे की क्या है रांझे की सोलमेट है तो उसकी आंखें ठीक नहीं है और रांझा वाज नॉट एट पॉइंट व्हेन डॉक्टर से कि आप जल्दी आइए तो ऐसे ही कुछ था मुझे पता नहीं इंग्लिश में क्या बोला पर कुछ कुछ ठीक लगा मुझे कुछ ना कुछ कुछ खट्टा मीठा लगा आपको खट्टा मीठा लगा अच्छा म्यूजिक की बात करें एक म्यूजिक हाँ संगीत में स्वर कितने होते हैं What a nice question and very, very short, long, short, long, long, short, karke question, long question, 15 number. Okay.
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है और मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा। और जैसे कि पेपर 3 घंटे का होता है, कितना टाइम देंगे मुझे आप इसका आंसर देने के लिए? आंसर देने के लिए सर आपको ये इंटरव्यू चल रही है, कोई आपका पेपर नहीं है कि आपको मैं 3 घंटे दूँ। वही तो मुझसे पूछ रहा था ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। मेरे मामा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। स्वर मैं पूछ रहा हूँ कितने होते हैं म्यूजिक में, स्वर कितने होते हैं? हाँ अच्छा, आप मुझे ये पूछ रहे हो भी मतलब कितने होते हैं? 10 तो नहीं होते ना, 7 होते ना, 7 स्वरों का संगम। ओ सॉरी, 7 होते हैं। ओ इंग्लिश में थोड़ी सी, मैं वही बोल रहा हूँ, 7 बोलते हैं ना। सेवन कितना हंसाता हूँ मैं। गले में आपकी रेशा है, हो जाता है म्यूजिक वालों का ना, वैसे गला बैठ जाता है। इस गले में 500 गाने हैं। क्या है? अगर थोड़ा सा रेशा तो क्या बात हो गई। इस गले में कितने गाने हैं? 500 गाने हैं। हाँ चलो सुनाइए फिर, क्योंकि ना मेमोरी कार्ड निकल गया था मैं। अच्छा, कितने जीबी का था वो? वो सर था 1 जीबी का। 1 जीबी का जी। अच्छा पुराना हुआ है। पुराना। चलो दर्शकों, तुसी देख लिया कि एक स्ट्रगल किन्ना नौजवान का स्ट्रगल किन्ना, ठीक है जी। तो तुसी हस्यो ना, मैं कहना प्लीज़ हस्यो ना, जो वीडियो नू लाइक जरूर करो, शेयर करो, तो कमेंट करने कभी भी ना भूलो। थोड़ा बहुत क्यों हंसते हैं आप? शुक्रिया जी। एक छड़े की छड़े इंसान नहीं होते। शुक्रिया जी, शुक्रिया।